भारत पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन के फैंस के लिए है गुड न्यूज, जल्द ही शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस। जी हां, इस बीच आपको बता दें, शुभमन गिल बीमार होने की वजह से भारत के लिए शुरुआती दो मैच में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब वे जल्दी ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। विश्व कप 2023 के इस मुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस मुकाबले में शुभमन गिल भी खेल सकते हैं। आपको बता दें, शुभमन गिल डेंगू से पीड़ित होने की वजह से टीम इंडिया के लिए शुरुआती दो मैचों में नहीं खेल पाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गिल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वे अब जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों के मुताबिक शुभमन गिल अहमदाबाद पहुँच चुके हैं और जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। गिल का प्लेटलेट काउंट कम था, इसी वजह से वे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ दिल्ली नहीं गए। गिल चेन्नई से सीधे अहमदाबाद पहुंचे हैं। भारत का दिल्ली में अफगानिस्तान से मैच था, टीम इंडिया ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीता। अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, गिल इस मुकाबले से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे। गिल को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, शुभमन टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। वे कई मौकों पर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। गिल ने अब तक खेले 35 वनडे मैचों में 1917 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 6 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। गिल का सर्वश्रेष्ठ वनडे की बात करें तो इनका स्कोर 208 रन है। वे दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। शुभमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने इंदौर वनडे में शतक लगाया था। इससे पहले मोहाली में 74 रनों की उन्होंने पारी खेली थी। अगर वे फिट होकर मैदान पर लौटते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। भारत पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन के फैंस के लिए है गुड न्यूज, जल्द ही शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस। जी हां, इस बीच आपको बता दें, शुभमन गिल बीमार होने की वजह से भारत के लिए शुरुआती दो मैच में नहीं खेल सके थे, लेकिन अब वे जल्दी ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। विश्व कप 2023 के इस मुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस मुकाबले में शुभमन गिल भी खेल सकते हैं। आपको बता दें, शुभमन गिल डेंगू से पीड़ित होने की वजह से टीम इंडिया के लिए शुरुआती दो मैचों में नहीं खेल पाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गिल अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और वे अब जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खबरों के मुताबिक शुभमन गिल अहमदाबाद पहुँच चुके हैं और जल्दी ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। गिल का प्लेटलेट काउंट कम था, इसी वजह से वे भारतीय क्रिकेट टीम के साथ दिल्ली नहीं गए। गिल चेन्नई से सीधे अहमदाबाद पहुंचे हैं। भारत का दिल्ली में अफगानिस्तान से मैच था, टीम इंडिया ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीता। अब पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, गिल इस मुकाबले से मैदान पर वापसी कर सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे। गिल को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें, शुभमन टीम इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। वे कई मौकों पर अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। गिल ने अब तक खेले 35 वनडे मैचों में 1917 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 6 शतक और 9 अर्धशतक लगाए हैं। गिल का सर्वश्रेष्ठ वनडे की बात करें तो इनका स्कोर 208 रन है। वे दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। शुभमन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने इंदौर वनडे में शतक लगाया था। इससे पहले मोहाली में 74 रनों की उन्होंने पारी खेली थी। अगर वे फिट होकर मैदान पर लौटते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।